परिवार कह रहा है कि आप इसको रिकंसिडर करें, दूसरी लड़ाई वो ओलंपिक जो है एसोसिएशन उससे लड़ रही है, अपील करिए वहां पे, कैसे देखते हैं? शेरनी कभी हारती नहीं, भावनात्मक तरीके से इस देश की बेटी विनेश ने, जिसने देश की आन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस जरूर की है, पर पूरे देश को ये उम्मीद है कि देश की ये बेटी फिर उठेगी और लड़ेगी। ये उनके परिवार नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के परिवार की ये उनको अपील है। पर मैं एक बात और कहूंगा, देश की सरकार क्यों मौन धारण किए है? रूल बड़ा सीधा है, वो रूल ये है, रूल 11, इसकी प्रतिलिपि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था तो ही तो 6 अगस्त को वो तीन बाउट लड़ी, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल, और तीनों बाउट जीती, तो ऑटोमेटिक उनको सिल्वर मेडल मिल गया। नेक्स्ट दिन जब दोबारा वजन किया तो तथा कथित तरीके से उनका 100 ग्राम वजन कम था, तो क्या वो वजन जो अगले दिन अगर ज्यादा था, 100 ग्राम ज्यादा था, माफ कीजिए, अगर अगले दिन वजन ज्यादा हो तो पिछले दिन पे वो कैसे लागू होगा? ये कौन सा रूल है? इसलिए देश की सरकार को खड़े होकर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खड़े होकर, हमारी रेसलिंग एसोसिएशन को खड़े होकर, सबको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। ये विनेश फोगाट का मामला नहीं, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ये बात समझ पाएगी, ये रूल सरासर अगर है तो गलत है। ये ओलंपिक की जो स्पिरिट है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी जीते, मे द बेस्ट स्पोर्ट स्पिरिट विन, ये उसके भी बरखिलाफ है। इस प्रकार का कोई कानून लागू हो ही नहीं सकता। अगर भारत सरकार चाहेगी तो सिल्वर मेडल विनेश को अवश्य मिलेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति भी कर रहा है और इसीलिए इस तरीके की उनको सफाई देनी पड़ रही है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अपनी बात भी रखी है, इस तरीके से इस पे क्या कहते हैं? इस देश का दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल रहे हैं हम 17 लाख रुपया खर्च किए। क्या 17 लाख रुपए से इस देश का प्रेस्टीज और मेडल वापिस आ जाएगा? अगर मोदी सरकार को ये लगता है 17 लाख खर्च किए बड़ा एहसान किया, तो इस देश के लोग 1700 लाख इकट्ठे करके उनकी झोली में वापस डाल देंगे। आप विनेश को वो सिल्वर मेडल देश को दिलवा दीजिए। हरियाणा की सरकार ने तो कहा है कि जो उसका मान सम्मान किया जाएगा, नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि जो मान सम्मान एक मेडलिस्ट का किया जाता है उसका किया जाएगा, और जो सिल्वर मेडलिस्ट को जो सुविधाएं दी जाती है वो दी जाएगी। मगर मच्छी आंसू बंद करें, दिनेश गोल्ड मेडल की हकदार है, वो लड़ती तो गोल्ड मेडल जीतती, सिल्वर मेडल उसका है। ये दिलवाना जुम्मेवारी है भारत सरकार की। अगर देश के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को अपील करके, हमारा मेडल जो हमारा अधिकार है, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं, वो मेडल वापस क्यों नहीं मिल सकता? जबकि इस रूल में सरासर ये रूल ही अपने आप में गलत है। अगर आपका वजन अगले दिन 100 ग्राम बढ़ भी गया तो वो पिछले दिन पे कैसे लागू होगा जब आपका वजन सही था? मेरा एक सीधा सवाल देश की सरकार को है, अपील भी है प्रधानमंत्री जी को कि सब राजनीति छोड़कर, सब भेदभाव छोड़कर, ब्रिजभूषण शरण सिंह की उन्होंने मुखालफत की, जो बीजेपी के चहेते सांसद थे, उन सब बातों को छोड़कर, दिल्ली पुलिस का जो मुकदमा दर्ज करवाया मोदी सरकार ने उसे भी छोड़कर, सीधे सीधे अब इस देश का मेडल वापस लेकर आए।